नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। शासन सचिवालय के पशुपालन विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी उपेंद्र सिंह द्वारा मुख्य सचिव निरंजन आर्य को शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ विभागों में नियम विरोध तरीके से पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शीघ्र कार्य मुक्त करवाकर उनके प्रवेश पत्र निरस्त करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियम विरोध तरीके से मौखिक एवं लिखित रूप से सचिवालय में बुलाकर कार्यों का संपादन करवाया जाता है, जो कि शासन की गोपनीयता के अनुकूल नहीं है। ज्ञापन में शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ विभागों से आए तथा इनके प्रवेश पत्रों को निरस्त करवाए जाने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि शासन सचिवालय में कार्यरत अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों द्वारा गोपनीय प्रकृति की अधिसूचना, परिपत्र एवं आदेश जारी होने से पूर्व ही गोपनीयता भंग करने से शासन सचिवालय की छवि खराब हो सकती है, जिससे सचिवालय के अधिकारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, उनका कार्यों के प्रति रुझान कम होता नजर आ रहा है।